गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का 5 बज चुका है, हम तो घर में जाग जाते हैं इसलिए नहीं सो पाते हैं। उठ के बैठे हैं कुर्सी में। तबीयत कल थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, फिर रात भर मेरे को दिक्कत है, वही उल्टी का कहीं आने से कहीं का पानी मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए अभी उठ के बैठे हैं थोड़ा देर पहले। कोई अभी जगह नहीं है। आज जो ये पोता का मुखझुटी था कैंसिल हो गया। यहाँ पर तूफान हवा बारिश, कल शाम को ही सबको कैंसिल कर दिया। मेरा दीदी का बेटा मछली वाला को और जो टेंट लगाते हैं उनको और जो खाना बनाने आते वो सबको कल मतलब कैंसिल कर दिए हैं। मतलब दूसरा का भी मतलब वो लोग दिन ठीक करेगा तो उसी दिन करेंगे। मुखझुटी मतलब पूजा पाठ 9 तारीख को हो गया था, मतलब ये गणेश पूजा का पहले का दिन, उसी दिन उसको मतलब मुखझुटा हो गया था। मतलब मंदिर से प्रसाद ला के खिला करके उनका मामा पोता का मामा घर से सबको आया था। ये लोग अपना घर के सबको मिल के मतलब मंदिर का प्रसाद खिला करके पूजा वूजा घर में कर लिए थे। पंडित जी उसी दिन को शुभ दिन बोले थे, लेकिन उस दिन बृहस्पतिवार था शायद, इसीलिए वे लोग यहाँ का आदमी सबको ही मछली और मटन खाने चाहता चिकन, इसीलिए मतलब दूसरा दिन ये लोग पार्टी रखे थे, लेकिन अभी पार्टी नहीं हो पा रहा है। दूसरा का भी फिर दिन बनाएंगे, पता नहीं हम आ सकेंगे कि नहीं पता नहीं। उस दिन उसका पूजा वूजा वही 9 तारीख को हो गया था। मामा घर में चैन ये लोग मतलब कमर में जो पहना बच्चा पहनता ये सब दे दिया। बाद मामा घर में बर्तन उर्तन जो रीति रिवाज है वो सब यही ये लोग कर लिए थे। फिर मतलब आज हो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हुआ। इतना यहाँ बारिश रुक रुक के हो रहा, पूरा चारों तरफ पानी खड़ा हो गया। खाना कहाँ बनाएंगे, आदमी आएगा ना नहीं बारिश में खाने के लिए। सबको मतलब ये हो गया था, सब कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। अभी तबीयत ठीक है, आज नहीं जाएंगे, कल शायद हम निकल जाएंगे। क्या पता है लोग बृहस्पतिवार है निकलने देगा ना नहीं, देखते हैं कल चले जाएंगे, कोशिश करेंगे। आज दिन भर में तबीयत मेरा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बुला के सुई ले लेंगे। तो शाम का टाइम देख रहे हैं बेटा का लेट हो, यहीं बगल में ही है लड़की, देखने जाएंगे। एक दो को है, पसंद आ जाएगा तो ठीक कर लेंगे, देखते हैं। बेटा को पसंद आ जाएगा, मेरा पसंद बेटा को पसंद है, बेटा का पसंद मेरे को पसंद है, बेटा का लिए देखते हैं। मेरा जो बड़ा बहू है ना, ये दीदी का बड़ा बेटा का, उन्हीं का कोई रिश्तेदार में है, देखते हैं। वो बोले हैं अच्छा है, लड़की लोग पढ़ रही है, देखते हैं होगा तो मतलब ठीक कर लेंगे, फिर बेटा को लेके फिर आएंगे। ये देखिए, यहाँ से बैठने से पूरा रोड दिखाई देता है। रोड में गाड़ी चलता है इक्का दुक्का, मतलब जो हमेशा चलता था वैसे नहीं चलता है, इस रोड में इक्का दुक्का गाड़ी चलता है, इसलिए हम बैठ के मतलब आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ बैठने से द्वारी पर पूरा रोड दिखाई देता है, पूरा पेड़ पौधा सब भरा हुआ है। अभी बरसात में कोई फल नहीं है पेड़ में, सब गर्मी में हो चुका है, कटहल आम सब कुछ हो चुका है, अभी कुछ नहीं है पेड़ में, सिर्फ बेल है। सोचे थे बेटी को पहले शादी देंगे फिर बेटा को शादी कराएंगे, लेकिन बेटी बोली मम्मी हम 2-3 साल में मेरा जॉब लग जाएगा तो हम शादी करेंगे। तो बेटी के लिए बेटा को क्यों रुक रखे हैं, बेटा को शादी करा देंगे, इसीलिए सोच रहे हैं मतलब लड़की एक दो को देख लेते हैं, आए हैं जब कुछ भी काम करके जाएंगे, वही इसीलिए मतलब अभी लड़का दिखने जाएंगे। आप लोग को लड़की पसंद हो गया, अभी नहीं दिखा पाएंगे, न्यू है, कैसे दिखाएंगे, वीडियो करके ले जाएंगे लड़का के लिए, लेकिन आप लोग को नहीं दिखा पाएंगे। देखते हैं फोटो उठो उससे मांग रहे हैं, उनका घर से मांग लेंगे, वीडियो भी नहीं करेंगे, वहाँ पर वीडियो कैसे करेंगे, न्यू है, फोटो ले जाएंगे दिखाने के लिए बेटा को, फिर मतलब चले जाएंगे घर। मेरे को कहीं का पानी बर्दाश्त नहीं होता, जमशेदपुर का छोड़ के रांची में जाने से भी यही उल्टी होता है मेरे को, यहाँ आने से भी वही हाल है, गाँव जाने से भी ये हाल है, कहीं का पानी बर्दाश्त नहीं होता। हम लोग आने का दिन 2 बोतल पानी रखे थे, एक बोतल तो हम लोग खा लिए खड़गपुर से इधर बस में आने में,
लेकिन एक बोतल था, वही बोतल का पानी यहाँ आके पिए। तो माँ बेटी थोड़ा सा, बेटी बोली मम्मी और है हम लोग का जमशेदपुर का पानी, लेकिन जमशेदपुर का पानी तो नहीं है। यहाँ का पानी हम लोग को मीठा नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता, पता नहीं आदत हो गया इसीलिए पेट गड़बड़ हो जाती है। रुक रुक करके बारिश हो रहा, अभी तेज से फिर बारिश शुरू हो गया। इतना बारिश हो रहा मतलब चारों तरफ पानी खड़ा हो गया। पीछे में जमीन है, खेत है, इसीलिए मतलब पानी चारों तरफ खड़ा हो गया। करे तो कहाँ करे, हवा भी दे रहा ना उसका साथ, पेड़ पौधा पूरा हिला दे रहा। इतना तेज से बारिश हो रहा, बाप रे बाप, क्या बोले, छत के ऊपर भी हम लोग निकाल नहीं सकते इतना बारिश। कभी भी जाएंगे, कभी बारिश थोड़ा बहुत छूट गया तो छत के ऊपर जाके चारों तरफ दिखाएंगे। यहाँ दीघा बगल में है ना, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर हवा तूफान बारिश होता रहता है। हम लोग का उधर बारिश भी हवा होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जमशेदपुर में, मतलब हो गया छूट गया। यहाँ पर नहीं, एक बार शुरू करने से यह एक बार बारिश यहाँ छूटता नहीं है, पूरा एकदम बारिश होते रहता। इतना तेज से हो रहा, अभी पेड़ पौधा है आप लोग को दिखाई नहीं, मतलब शुरू हो गया। देखिए बहुत तेज हो रहा, इसमें कैसे करे क्या करे कुछ नहीं कर पाएगा लोग। हम तो उठ भी नहीं पा रहे, इतना तबीयत खराब हो गया। घर में था तो ठीक थे, घर में भी कभी कभी मेरा तबीयत पता नहीं क्या हो जाता, तबीयत बुद्धि बढ़ जाती। देखिए इधर भी पूरा बारिश हो रहा है, जा रहे हैं पीछे से थोड़ा आप लोग को दिखाएंगे। मैं देखिए चारों तरफ पूरा पानी खड़ा हो गया। इधर केला का, इधर केला का ये है पूरा बारिश, अमरूद पेड़ है, सजना पेड़ है, लेकिन इधर इतना पानी खड़ा हो गया। पूरा बारिश का दिन है ना, पूरा जंगल खेत है देखिए, लेकिन करे तो क्या करे दिखा भी नहीं पा रहे, इतना तेज से बारिश हो रहा है। ये अपना पेड़ का ही केला कांदी, और हुआ यहाँ पर जहाँ घर सामने में घर था, रोड का साइड में घर था, वो घर मिट्टी का था, उसको ये लोग तोड़ के ये वाला बनाया। तो यहाँ पूरा केला का पूरा बागान था, वो केला पेड़ सब काट दिए, लेकिन थोड़ा बहुत जो साइड में रह गया उसमें बहुत केला फलता है। ये देखिए एक ठो काट के रखे हैं, हम मौसी आएंगे बोल के सब कोई काट के रखा है। सब कोई सोया है अभी, मतलब पोता भी सोया है। ये एक ठो रूम है ना, एक ठो रूम है वाला। पता नहीं ये सीढ़ी घर है ऊपर जाने के लिए, ये एक ठो रूम है, एक ठो रूम है। सब कोई सोया है अभी, जगाने मन नहीं करता बारिश। एक तो बहू खाली चल गए हैं, वो बाथरूम जा रहे हैं, गए हैं बाथरूम, और सबको वही अभी सोया है। बारिश इतना तेज से किसी को उठने को मन नहीं है। हम तो कहीं भी जाते हैं उठ सो नहीं पाते हैं, सुबह आदत है छोटा से ना, इसीलिए सो नहीं पाते हैं। जग गए हैं, बैठ जा रहे थे, पीछे से आप लोग को दिखा के लाए हैं, छत का ऊपर जाके चारों तरफ दिखा देंगे आप लोग को। यहाँ मन भी ठीक नहीं लग रहा, बेटा को छोड़ा है, टफी का तबीयत ठीक नहीं है, टफी को भी छोड़ करके आए हैं। यहाँ का पानी मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, कभी भी आने से हम मतलब मेरा शरीर ठीक नहीं रहता। जमशेदपुर में भी मेरा तबीयत खराब होता, लेकिन यहाँ आने से थोड़ा ज़्यादा होता है। गाँव जाने से वही हाल है, रांची जाते हैं, हजबैंड जा रहते हैं, वहाँ का भी वही हाल है। खाली जमशेदपुर में पता नहीं क्या है, वहीं का पानी मेरे को बर्दाश्त होता है। ये देखिए डायना बैठ के उठी, आज बहुत टाइम से जग गया, लेकिन अभी जग गया, उठ के बैठा है अभी डायना। ये देखिए डायना बोलने से सुनता, बैठो इस पर आना नहीं, बैठो। इसको घूस बोलने से पलंग के नीचे घुस जाता,
नाम लेके पुकारने से सुनते। ये 40 दिन का ना, कितना दिन से इसको लाए थे देखे, देख रहा है। यहाँ पर इतना जोर से बारिश हो रहा, देखिए कितना जोर से, पूरा आंगना उंगना सब भींग करके भर गया पानी चारों तरफ से। इसीलिए ये लोग का जो बच्चा का मुंगझोटी का मतलब फंक्शन था ना, वो कैंसिल हो गया। इतना जोर से बारिश हो रहा, बर्तन धोरी। बहू दीदी का जो बहू है वही बर्तन धोरे, लंच कर लिए। देखिए मेरा दीदी का दूसरा वाला कुत्ता जिसका मुंह झूठ है, तो उसका भी तबीयत बहुत खराब है। ये वाला मेरा दीदी अभी तक ना ही नहीं, घर उर पूरा साफ कर रही थी, सीढ़ी घर नहीं सीढ़ी का नीचे साफ कर रही थी, सीढ़ी के नीचे साफ कर रही थी, इसलिए ना ही नहीं अभी। वो बर्तन धो रही है, लंच वाला बर्तन जो नहीं है वही धो रही है।
तीनों ये लोग लंच कर लिए हैं। और अभी देखिए ये मेरा दीदी का बड़ा बेटा का बेटी और बेटा देखिए वो मुख तो उसका मुख फेस अच्छा है तभी वो छिपा रही है। लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। देखिए उसका तबीयत बहुत ठीक नहीं है इसीलिए डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। ये देखिए मेरा दीदी का पोती कितना सुंदर से मेहंदी पहना रही। सोमा को नहीं आता है, सोमा को ड्राइंग आता है, उसको ड्राइंग नहीं आता है। मेहंदी देखिए कितना सुंदर पहनाती है, कोई सिक्का नहीं कुछ नहीं, अपने से पहनाती है। ये देखिए कितना सुंदर पहनाई है। ये देखिए तो यहाँ से यहाँ तक पहना। कैमरा के सामने आने नहीं खोजता है, बोलता हम नहीं आएंगे। के लिए आए तो काम तो नहीं हुआ, खाली बारिश ही बारिश है, कहीं निकल सकते नहीं, घूम भी नहीं सकते हैं, घर के अंदर बैठे हैं। तबीयत तो खराब हो गया और ज्यादा, यहाँ का पानी मेरे को सूट नहीं हो रहा। साल घर निकलेंगे वो सोचे थे, लेकिन ये लोग बृहस्पतिवार बोल के नहीं छोड़ रहे हैं, शुक्रवार के जाएंगे। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा सा रहिए, गुड नाइट बाय। मेरा ब्लॉग जरूर देखिए।